फाजिल अजीज प्रोग्राम मुबाइसा में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हर हफ्ते इस प्रोग्राम के हवाले से हम बहुत खूबसूरत मौजूद आप तक लेकर आते हैं और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक बहुत अहम मौजू है, यानी दौरे हाजिर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मानवीयत। भीमराव अम्बेडकर जिन्हें सारा मुल्क बहुत अकीदत, बहुत एहतराम, बहुत प्यार से नाम लेता है और जद्दोजहद आजादी से लेकर अब तक, खासतौर से जब आईन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात आती है, तो हमारे पास जो सबसे अहम नाम होता है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का। जाहिर उनकी खिदमत हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है, और आज उन्हीं के हवाले से उनकी खिदमत, उनके फलसफे और जो कुछ भी अम्बेडकर साहब के बारे में हम जानते हैं, बातचीत करेंगे। और हमें खुशी है कि चार बहुत ही मोहतबर और बहुत नामवर शख्सियात हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। और सबसे पहले मेरे करीब बैठ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर कौशल पवार साहिबा, और आपका ताल्लुक दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, संस्कृत पढ़ाती हैं, दसवीं तदीस, और बहुत बेदार मर्ज हैं, और इन मौजूद पर जो अम्बेडकर साहब ने जिन पर कलम उठाया और मुसलसल जदोजहद की, उस पर डॉक्टर पवार भी मुसलसल कोशाएं काम करती हैं। हम इनका खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजेश पासवान साहब, जिनका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, आप शोबा हिंदी में वहां पर एक प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत ही बेदार मज रहे हैं, जद्दोजहद के साथ आप रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट के साथ आप रहे हैं, और इस मुल्क में एक बेदारी का एक जो अहम वजीर है वो भी आप सर अंजाम देते हैं। मैं डॉक्टर राजेश पासवान साहब आपका खैर मकदम, आपका स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब दिल्ली में एक जमाने से हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दसवीं सदी से वाबस्ता हैं, बहुत मशहूर दानिश्वर हैं, कलमकार हैं, नक्काद हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं, और दलित मौजूद पर आपका काफी गहरी निगाह है। और इसके बाद आखिर में हमारे पास जनाब चंद्रभान प्रसाद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, और आप एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त कॉलमिस्ट रहे हैं मुल्क के और मुल्क के बाहर कई यूनिवर्सिटी में दसवीं तदीस और पढ़ाने का काम आपने किया है, और एक बहुत बड़ा मिशन के तौर पर जो दलित समाज है उसकी जो परेशानियां हैं और उसमें जो कुछ हो रहा है, खासतौर से अम्बेडकर साहब का जो पैगाम है उसको कैसे आम लोगों तक रूशनास कराया जाए, पहुंचाया जाए और उसकी मानवीयत को समझा जाए, इस पर आपका काफी काम है। डॉक्टर प्रसाद, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान में हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की मानवीयत क्या है, रेलिवेंस क्या है, आपको क्या लगता है? मैं कहा करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वस्तुतः 21वीं सदी में पैदा हुए थे जी। अच्छा, आप किसी स्कूल बस स्टॉप पर खड़े हो जाएं जी तो बच्चे जिस यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं जी, सूट बूट, वो देखिए बाबा साहब का कपड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई के समय से लेके लोकसभा में जो भी नया सरकार आई, सारे नेता कुर्ता पजामा या कोई और वस्त्र पहनते थे। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे नेता थे जो सूट पहनते थे और कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश है उनका बच्चा सूट बूट में जाए स्कूल, और वह स्कूल जिसमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती हो। जी, बाबा साहब अकेले थे भारत के, अकेले नेता थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि इंग्लिश को भारत की लिंक लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, और दलितों से कहा उन्होंने अंग्रेजी शेरनी का दूध है जो पिएगा बलवान बनेगा। वा, वा, वा। और अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ा के वहां से कैपिटल और टेक्नोलॉजी लाओ, देश को आगे बढ़ाओ। आज चाहे जो भी सरकार हो, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाना चाहती है, कैपिटल लाना चाहती है, जी, जी। लोग बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, लोग बच्चों को वैसे ही ड्रेस करते हैं जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ड्रेस करते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब एक्चुअली 21वीं सदी इंडिया में पैदा हुए थे। डॉक्टर पाशा साहब, आपने अपने बचपन के जमाने में बड़ी महदूद जराए देखे होंगे, एक जूता है तो बहुत है, घड़ी बड़ी होती रही थी, टाइम जो है आदमी किसी से पूछ के जानना चाहता था। आप उस इलाके से आए हैं, मैं भी उस इलाके से आया हूं, हम सब लोग उसी इलाकों से आए हैं। आज जो मुल्क बदला है, हर आदमी के पास सब कुछ है, अम्बेडकर साहब ने कैसे हौसला किया होगा एक गरीब घर का बच्चा जो कि दो दो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करता है, इंग्लैंड के मतलब जो ब्रिटेन का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करता है आदमी, क्या गुजरी होगी, कैसे समेट पाया होगा इतना हौसला, आप
से मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा एक आदमी के लिए कितना बड़ा ये काम था, नामुमकिन तो मुमकिन किया उन्होंने। जाहिर है अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें कि बाबा साहब का ताल्लुक एक दलित खानदान से था और हमारे मुल्क में हजारों साल की जो तारीख रही है जिस तरह से दलित वर्ग को दलित क्लास को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था हमारे माशरे में, बाबा साहब ने उन तमाम मुसीबतों को उन तमाम डिस्क्रिमिनेशंस को उन तमाम इम्तियाजात को झेला और स्कूलों में भी उनके साथ जिस तरह का रवैया था जो उन्होंने लिखा है जाहिर है कि उससे अंदाजा होता है कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाज को झेल करके वो उस मुकाम तक पहुंचे थे और एक सेल्फ मेड इंसान थे और उन्होंने न सिर्फ ये कि आला तालीम हासिल की थी दो मुल्कों की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल की थी बल्कि साथ ही साथ उनके पास एक विजन था समाज को देखने का, माशरे को देखने का, इंसानियत को देखने का। बाबा साहब को सिर्फ आप किसी एक क्लास, किसी एक वर्ग, किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं कर सकते। जी, जी, जी। बाबा साहब की शख्सियत ऐसी थी जो आलमी सतह पर इंसानियत की फलाह और बहबूदी के हक में आवाज उठाने वाली शख्सियत थी। हिंदुस्तान को भी एक बेहद ह्यूमन नेशन के तौर पर, एक ऐसा नेशन जिसमें कोई तफरीक ना हो, कोई फर्क ना हो, वहां के शहरियों के दरमियान, नागरिकों के दरमियान कोई इम्तियाज ना हो, ये बाबा साहब का मिशन था। और जाहिर है कि दुनिया के तमाम इंसानों को एक जाविये से वो देखना चाहते थे, तो उस तालीम को उन्होंने इंसानियत के हक में इस्तेमाल किया और लोगों ने उस तालीम को अपने अपने दूसरे तरीकों से इस्तेमाल किया। बाबा साहब का कमाल यह था कि जो कुछ उन्होंने तालीम के जरिए हासिल किया, जो विजन उनका बना, मैं तो ये कहता हूं कि जो विजन बाबा साहब अम्बेडकर का था वो विजन उनके किसी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियन में नहीं था। जिम्मेदारी के साथ साबित कर सकता हूं, कह सकता हूं और उसकी झलक हमें आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन की वो शक्ल नहीं होती अगर बाबा साहब उसके चेयरमैन ना हो उसके नीचे के। जाहिर है कि बाबा साहब की शख्सियत को हम उनके तालीम के हवाले से, उनके नजरिए, उनकी बसीरत के हवाले से और उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से देखते हैं तो एक बेमिसाल शख्सियत उनके सामने नजर आती है। बहुत शुक्रिया पाया साहब। नगर राजे साहब बैठे हैं पासवान साहब, आपका ताल्लुक भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, आप वहां पढ़ाते हैं, दसो तजदीद से आपका ताल्लुक है। ये जो दलित साहित्य है ये आजकल इसमें बहुत बात हो रही है और बड़ा जेन्युइन साहित्य एक है जो दर्द है, जो गर्व है, जो बेबसी है, जो बेकसी है, जो महरूमी है, महकूमी है, उसको पहली बार साहित्य ने एक जगह दी है। आप चूंकि साहित्य से जुड़े हुए हैं, उस साहित्य के बारे में और बाबा साहब का जो उसमें रोल है, लोगों को जगाने वाला, उसको अगर जोड़कर आप देखें तो आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा कि दलित साहित्य में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो सदियों से उपेक्षित रही थी और बाबा साहब का रोल इस बात का है कि बाबा साहब ने अपनी जमीनी सच्चाई को बहुत बारीकी से देखा। जी, तो क्या लगता है आपको दलित साहित्य को जितना जोर शोर से आना चाहिए था वो आ पाया? अभी वो आने की प्रक्रिया में है क्योंकि दलित समाज में शिक्षित पीढ़ी एक दो पीढ़ी ही अभी है जो कि प्रॉपर उन्हें एजुकेशन मिला है और जब वो आ रहे हैं तो समाज के अपने कड़वे अनुभवों को धीरे धीरे ला रहे हैं और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम दूसरे के अनुभवों को उस हद तक अनुमान नहीं लगा सकते जितना वो खुद अनुमान लगा सकता है। तो जिस तरह से दूसरे लोगों ने अपने लिटरेचर लिखा है वो उतनी बारीकी से, उतनी संजीदगी से दलित समाज के सत्य को नहीं उजागर कर पाए। दलित साहित्यकार जब लिख रहे हैं तो उस सत्य को उजागर कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म के सत्य जब हमारे सामने आता है जी जी। तो इससे किसी भी समस्या को बारीक पड़ताल करने में मदद मिलती है। तो ये आने वाले दिनों के लिए दलित साहित्य एक नई चेतना लेकर आएगा और वो डॉक्टर कौशल साहब यहाँ बैठी हैं, कौशल पवार साहब आप पढ़ाती हैं और संस्कृत भाषा पढ़ाती हैं, भाषाओं की सबसे मतलब माँ, जिसे संस्कृत के बारे में और दलितों तक ना पहुंच जाए तो हमने अपने बुजुर्गों को सुना है कि लोग बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया कि किसी दलित कान तक बात कही तो उसे शीशा पिला के डाल दिया करते थे और आप उस भाषा को पढ़ा रही हैं और दलित जो पूरा समाज है उस पर भी आपकी निगाह है, तो भाषा और वो भी संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए आपको कैसा फील होता? कभी तो आप उन दीवारों से टकराती होंगी, इन आवाजों से टकराती होंगी, वो कुछ फील करती होंगी कि या कल तक हमारे ऊपर क्या पहरे थे, वो अब कैसा फील करती हैं आप? देखिए, इसमें जो हमें अधिकार है आज के समय का, मुझे खासकर है जो मैं पढ़ा रही हूँ दिल्ली संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत को, ऑफकोर्स बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है।
क्योंकि संविधान में अगर ये अधिकार महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि एक महिला हूं तो महिलाओं की बात करना चाहूंगी, महिलाओं को जो न सिर्फ दलित महिलाएं बल्कि दूसरे समाज की महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं, उनको जो एक तरह से अधिकार ही नहीं दिया गया था, नगण्य था एक तरह से संस्कृत साहित्य में कुछ है वो एक तरह से प्रक्षिप्त कहिए या बाद में इंटरप्रिटेशन किया गया, वो एक अनदर इशू है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो स्थिति जो बाबा साहब के टाइम में थी, क्योंकि उनको संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं, मतलब नहीं दिया गया था, उन्होंने फारसी पढ़ी और स्व अध्ययन उन्होंने संस्कृत का किया, इसके बावजूद भी उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन, बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत सारी किताबें उनकी हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कह सकती मैं कि इस भाषा को लेकर आज जो टकराव है वो एक समानता वाला टकराव है, बल्कि कहीं ना कहीं वही झेलना पड़ता है, वो उस तरीके से सीधे रूप में आज नहीं है। बाबा साहब को सीधे रूप में कहा गया था कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, लेकिन आज के समय में उसके तरीके बदल गए हैं, और उन तरीकों में मैं बिल्कुल कहूंगी कि थोड़ी उदारवादिता है, उदार है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से साहित्य में दलितों की बात आनी चाहिए, खासकर जो संस्कृत साहित्य, जो बाद का जो साहित्य लिखा जा रहा है, उस साहित्य में संस्कृत में दलित और महिलाएं, दलित महिलाएं भी नदारद हैं, तो मैं इसको इस रूप में देखती हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाकर जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत कम से कम आज हम इस लायक बने हैं कि दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पढ़ा पाए। अच्छा, हम फिर आते हैं चंदभान जी की तरफ। चंदभान जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है बार बार, बाबा साहब का नाम आते ही फौरन संविधान की बात आती है, और वो ना होते तो शायद इतना मतलब सुंदर और कंप्लीट मुकम्मल आईन जो है, संविधान जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारा योगदान जो है बाबा साहब को जाता है। उस नजरिए से बाबा साहब का जो पूरा योगदान है, जो उनका चरित्र है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी शख्सियत है, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस पर आप ज्यादा रोशनी डालिए। देखिए, जब बाबा साहब संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष चुने गए जी, जी। और इसके पहले वो अमेरिका हुए आए थे, ब्रिटेन हुए आए थे, उस समय भारत की जो सेल्फ इमेजिनेशन, सेल्फ इमेज थी जी, एक जगत गुरु की थी। विवेकानंद अमेरिका हुए आए थे, वहां पर शिकागो में लेक्चर दिया था, हाँ, बड़ी सभा में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। तो दो मुख्य अंतर्द्वंद थे भारत में कि आज भारत आजाद हो गया है तो भारत कैसा बनेगा फ्यूचर में, ब्रिटेन बनेगा, अमेरिका बनेगा, या भारत चूंकि जगत गुरु है तो यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की कल्चर, यहाँ की सारी चीजें, तो कैसा संविधान हो, किस तरह का देश बने। तो भारत, बाबा साहब ने भारत को उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार किया कि भारत आज नहीं तो कल ब्रिटेन बन सके, अमेरिका बन सके। आज हर भारतीय मिडिल क्लास की क्या तमन्ना है कि मेरे बच्चे अमेरिका पढ़ाएं या ब्रिटेन पढ़ाएं। जी जी जी, उनका कहना था कि ये स्थिति आने वाली है तो खुद अपने ही देशों क्यों नहीं आप अमेरिका और ब्रिटेन बनाते हैं। तो जगत गुरु वाला मसला थोड़ा सुनो कि आप उतना नहीं हो, आप लोगों से सीखो। तो आज हर चीज, टेबुल, कटलरी, चम्मच, ड्रेस, बेड, अपार्टमेंट, पूरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, पूरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो बाबा साहब आधुनिकता को और भारत को और पाश्चात्य सभ्यता को में एक संगम चाहते थे। बाकी जो फोर्सेस थी उनको डर था कि कहीं भारत जो है अगर अमेरिका बन गया या ब्रिटेन की तरफ बन गया तो हमारी कल्चर का क्या होगा, हमारी सभ्यता का क्या होगा। तो उन्होंने अर्गू किया बाबा साहब ने कि जब मैं बीए कर रहा था तो त्रावणकोर आधुनिक केरला में जी जी, दलित लोग इस बात के लिए जंग लड़ रहे थे कि महिलाओं को अपर पार्ट ढकने का अधिकार मिले। वाह, कितनी अफसोस की बात है। बैलगाड़ी पर बाबा साहब को उतार दिया गया था, बैलगाड़ी से मालूम है जबकि अछूत बालक बैठा है। तो उन्होंने कहा ये कौन सी कल्चर है, संस्कृति पढ़ने, खुद ही डॉक्टर पवार एक क्रांति है, खुद जी जी, आपने आपने बहुत जिस समाज के लोगों को संस्कृति पढ़ने की मनाही थी उस समाज की एक पैदा बिटिया आज संस्कृति पढ़ा रही है। तो ये यही तो क्रांति है, और क्या बोले क्रांति, किस चीज क्रांति बोलेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि ये सब चीजें जो है जहां पर मानव को पूरी तरह से मानव नहीं माना जाता है, हम उस संस्कृति को लेके भारत का नाम दुनिया में रोशन नहीं कर सकते। मैं फिर डॉक्टर पाशा की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, आप
पढ़ाते हैं, दरअसल दर्दी सिद्धा का ताल्लुक है। और अंबेडकर साहब का भी मुसलसल एक मिशन था कि पढ़ो 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 आगे बढ़ो। और जाहिर है कि रोशनी तो इल्म से ही हासिल होती है, और आप जितने भी ये चाहे वो लोग जो मजालिम कर रहे थे और जो मजलूम थे, दोनों को जरूरत थी पढ़ने की ताकि आंखें खुले, जहन खुले, बात आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े। आप आज पढ़ाते वक्त बच्चों को कभी जहन में आता है कि अंबेडकर मेरे साथ है, कभी फील होता है आपको? जाहिर है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो विजन था, जो उनका नजरिया था, वो तालीम जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हासिल की थी, मॉडर्न एजुकेशन, अभी चंद्रमान जी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि उनके पास एक वर्ल्ड विजन था, उन्होंने दुनिया को देखा था और एक नए नजरिए से देखा था, एक जो जदीदियत का, मॉडर्निज्म का, आधुनिकता का नजरिया था उससे उन्होंने देखा था। लेकिन मैं समझता हूं कि तालीम पर जितना जोर बाबा साहब ने दिया था, जिस तरह की तालीम जाहिर है कि वो उसी तालीम की बदौलत, वो जानते थे कि समाज का जो दबा कुचला हुआ तबका है वो अगर तालीम याफ्ता होगा तभी अपने हुकूक के तई, अपने अधिकारों के तई बेदार हो सकेगा, जागरूक हो सकेगा, इसलिए तालीम पर खासा उन्होंने जोर दिया था। मैं एक और बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो वर्ल्ड विजन जरूर रखते थे, अमरीका को देखा था, इंग्लैंड को देखा था, यूरोप के सोसाइटी को देखा था, लेकिन बाबा साहब की नजर में हिंदुस्तान था, ये सब कंटिनेंट था, इस सब कंटिनेंट के सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर, उसको उन्होंने देखा था, बड़ी बारीकी से समझा था। आईन में जिस तरह से उन्होंने इस समाज के अलग अलग तबका, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, और जितनी हमारी डाइवर्सिटीज है उन डाइवर्सिटीज को अमेरिका के जरिए नहीं समझा जा सकता था, इंग्लैंड के जरिए नहीं समझा जा सकता था, वेस्ट के जरिए नहीं समझा जा सकता था। तो बाबा साहब का जो जमीनी विजन था, मैं समझता हूं इतनी गहराई से शायद ही किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने, किसी दूसरे थिंकर ने, किसी दूसरे एजुकेशनिस्ट ने इतनी गहराई से इस माशरे को देखा हो, और उस माशरे को देख करके उनके हुकूक की हिफाजत, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, कैसे उनके ऊपर हो रहे एट्रोसिटीज को रोका जा सके, किस तरह से उनको इम्पावर्ड किया जाए लीगली, कानूनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पर, ताकि वो अपने हक को हासिल करके हिंदुस्तान के हर तबके एक बराबर रेस में, एक बराबर तरक्की के दौर में शामिल हो सकें, और हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह की नाइंसाफी जो उनके साथ है वो खत्म हो सके, ये उनका बुनियादी विजन था। डॉक्टर बसवर साहब, अभी बात जो कर रहे थे हमारे चंदमान साहब, डॉक्टर अम्बेडकर को अगर देखें तो उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं। वो इकोनॉमिस्ट है, वो सोशल रिफॉर्मिस्ट है, वो एजुकेशनिस्ट है, वो लायर है, वो जूरिस्ट है, वो इनकलाबी है, वो बागी है, वो बिछड़े दुखियों के आंसू पोंछने वाले हैं। आपको सबसे उनका स्ट्रांग रूप कौन सा लगता है जिससे आप उनसे ज्यादा प्रेरित हुए हैं? उनका सबसे स्ट्रांग रूप उनका एक बेहतरीन अर्थशास्त्री होना है, वो अपने मूलतः अर्थशास्त्री ही थे, और उनकी जो भी संस्थाएं थी, उनकी अपनी ख्वाहिशें भी थी, वो भी वो अपनी स्वेच्छा से नहीं चाहते थे कि उन्हें विधि मंत्रालय का पद दिया जाए, वो चाहते थे कि उन्हें योजना आयोग और उन्हें वित्त मंत्रालय वाले जैसी चीजें दी जाए। तो मूलतः वे बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, और जिस तरह से एक बेहतरीन अर्थशास्त्री हर चीज को सिर्फ इमोशन से नहीं तोड़ता, बल्कि आंकड़े भी देखता है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमारे फ्यूचर के लिए क्या चीज होनी चाहिए। और हम सब लोग उनकी जो स्थापनाएं थी और भारतीय संविधान की जो निर्मितियां हैं, योजना आयोग, फाइनेंस कमीशन और बाकी अन्य जितने भी रहे हैं, इनफैक्ट चुनाव आयोग की स्वायत्तता भी, तो ये सारी चीजें उन्होंने जो एज्यूम की थी और जो उसका उन्होंने एक बेहतरीन रूप दिया था, वो एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए था। और चूंकि उन्होंने कई सारे विभिन्न तरीके के दुख दर्द भी झेले थे, विभिन्न विपरीत परिस्थितियां भी देखी थी और बेहतरीन परिस्थितियां भी देखी थी उन्होंने, तो इन सबका सामंजस्य उन्होंने हर लेवल पर स्थापित करने की कोशिश की कि अपने उनके द्वारा जो भी कार्य संपादित किए गए उसमें गरीब से गरीब हाशिए पे रहने वाला व्यक्ति के लिए भी सुकून का माहौल हो, और जो विश्वगुरु बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक पुरसुकून माहौल हो, तो इन सबका उन्होंने एक सामंजस्य बनाया और सारी सारी संवेदनाओं को बहुत ही बारीकी से देखा था, क्योंकि उनसे प्रेरणा हर जगह मिली। धर्म के क्षेत्र में लोगों ने प्रेरणा ली और धर्म को धर्म के प्रतीक संवेदना जागृत हुई, साहित्य से प्रेरणा लेकर के और साहित्य में उनकी अपनी एक संवेदना स्थापित की गई, कई सारे क्षेत्रों में उनको तवज्जो दिया गया, और ये उनकी व्यक्तित्व की विशालता का ही प्रचायक है।
दलित समाज में चलते वक्त उठते बैठते वक्त जब आपको लगता है कि दलित समाज के अंदर अभी भी पिछड़ापन बहुत ज्यादा है और अंबेडकर की यहाँ भी जरूरत है, तो कौन सा वो क्षेत्र है, कौन सी वो जगह है महिला समाज में जहां आपको लगता है कि अंबेडकर के जो ख्यालात थे वो पूरी तरह से पहुंचाने की अभी और जरूरत है? देखिए, जो हमारे भारतीय समाज की जो महिलाओं की जो दशा है, उनमें जो हमारी जो दूसरे वर्ग की जो महिलाएं हैं, दलित से इतर जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति दलित समाज की महिलाओं से बेहतर है। लेकिन हमारी जो दलित समाज की जो महिलाएं हैं, उनमें क्योंकि अभी तक शिक्षा भी नहीं पहुंची पूरी तरह से, आप हरियाणा का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, यूपी का इवन कहीं का है, जी है। तो फिर क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है, तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो इतने अधिकार दिए संविधान में, वो कहीं ना कहीं से व्यवहारिकता में उन तक नहीं पहुंच पाते। और ये उन तक पहुंचाने के लिए सबसे जो माध्यम, जो चंद्रभान सर ने कहा कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, वही यहाँ भी लागू होता है। उनको ज्यादा से ज्यादा अगर हम शिक्षित करेंगे, तो बाबा साहब का जो एक विजन था पूरे भारतीय समाज की महिलाओं को आगे लेके आने का, समानता का, और वैसे भी देखा जाए तो उनके जो जिनको वो आदर्श मानते थे, ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा उनके सामने आदर्श था, उनका योगदान था, उनका जो योगदान था, बहुत सारे योगदान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मतलब गहरा उनका जुड़ाव रहा। तो बाबा साहब के उसी विजन को अगर हम उन तबकों तक पहुंचा पाएंगे, तब हम बाबा साहब के विजन को पूरी तरह से महिलाओं में लागू कर पाएंगे। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल साहब आपका और आप तमाम हजरात का कि आपने एक ऐसे शख्सियत के लिए आज वक्त निकाला और हम उस पर, मतलब जाहिर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर हम दो दिन तक भी बात करते रहे तो बात नहीं कर पाएंगे। उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना उनका कारनामा है, इतने उनके एहसानात है पूरे समाज के ऊपर, और जाहिर है कि एक उर्दू का शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, ये बाबा साहब ने जरूर सोचा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि उनके ख्यालात को, उनके पैगामात को इसी तरह से जारी साहिर रखें। और मैं लाजिम यकीनन आपको ये मुबाइसा आज का यकीनन पसंद आया होगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से जो कुछ कहा गया है उससे आप जरूर मुस्तफीद होंगे। आइंदा फिर मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, मुबाइसे में बहुत बहुत शुक्रिया।